हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या हूँ एक और नई कस्टम रोम। ये हमारी कस्टम रोम नहीं, GSI रोम है। ये हमारे रेडमी 5 के लिए आप किसी भी फ़ोन में आप इंस्टॉल कर सकते हो इस रोम को। रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता दूँगा आपको क्या क्या चाहिए होगी। चलिए यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स की बात करता हूँ, मैं बताता हूँ कौन सी रोम है ये। अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडमी 5 के लिए हमारे रेजर UI है। हमारी रेजर UI पोर्टेड रोम है ये GSI रोम। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 9 बेस्ड है ये GSI रोम, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल एंड्रॉयड 9 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी पैच आपको 5 फरवरी का मिलेगा, कोई अपडेट नहीं आया अब तक। आपको बिल्ड लेटेस्ट मिल जाएगी आपको उसके अंदर। बिल्ड आप नंबर यहाँ देख सकते हो आप रेजर UI 4 रेडमी मी फाइव, इसमें थोड़ा सा मी ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको सिस्टम अपडेट भी मिल जाएगा। वैसे इसमें अपडेट आया तो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फिनिशिंग अपडेट। यहाँ से आपको गेस्चर्स चेक कराते हैं यहाँ पे हम। स्वाइप अप ऑन द होम बटन यही आपका मिल जाएगा आपको यहाँ से। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता आप स्विच कर सकते हैं यहाँ से। जंप टू कैमरा मिल जाएगा आपको, एंड्रॉयड क्यू वाले गेस्चर्स नहीं मिलेंगे इसमें। चलिए इसको कुछ फीचर्स की बात करेंगे। बैटरी बैकअप ज़्यादा कुछ खास नहीं होने का GSI रोम है। उसमें थोड़े बहुत बग्स भी मिलेंगे आपको उसके अंदर, 100% आपको वो नहीं मिलेंगे, बग्स फ्री नहीं मिलेंगे इसमें। यहाँ पे डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस बिल्कुल ओके वर्किंग है यहाँ पे हमारी। रिफ्रेश रेट भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। वॉलपेपर नहीं मिलने का आपको उसके अंदर। बाकी नॉर्मल देख लेते हैं, नॉर्मल एक ही मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं रेजर। यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अप्लाई कहाँ से होगा, अप्लाई हो चुका है यहाँ से, सॉरी ऊपर से था अप्लाई का। चलिए आप देख सकते हैं बाद में। डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिल जाएगा आपको, फुल HD मिल जाएगा यहाँ से आपको, पर ये सेट नहीं होता, ठीक है। यहाँ से आपको लाइट ये डार्क मिल जाएगा यहाँ से, पर ये वर्क नहीं करता, मैंने चेक कर दिया था पहले ही। ये स्टेटस बार कुछ ऐसा सब मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। साउंड एंड वाइब्रेशन साउंड इसमें आपको बिल्कुल ओके मिलेगी यहाँ पे, आप देख सकते अभी फ़ोन रिंग टोन यहाँ पर ना है, क्योंकि इसमें आपको रिंग टोन नहीं मिलेगी, आपको अलग से अपने ऐड करनी पड़ेगी। ऐसे टच साउंड बिल्कुल ओके चल रही है यहाँ पे, वाइब्रेशन बिल्कुल ओके है। स्टोरेज में आप देख सकते हैं आपको कितनी स्टोरेज फ्री मिली है इसमें, अभी एप्लीकेशन पड़ी है तो इस वजह से थोड़ी कम स्टोरेज बता रहे हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी एंड लोकेशन में चलते हैं यहाँ पे, फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं यहाँ पे अपना। फिन यहाँ फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं हम, कैसे चलता है इसमें फिंगरप्रिंट। 4G आपको मिलेगा आप देख सकते हैं। अब वॉल्ट में चेक करा दूंगा अभी कॉल करके, यहाँ देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। देख लेते हैं वर्किंग कैसा है, ये देख सकते हैं आप। टच करा, टच हुआ नहीं, टच करा ना, ये आपको ऐसा नहीं चलने पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप। फिंगरप्रिंट नहीं चलने का आपको, ऐसा आपको अनलॉक करना पड़ेगा तब आपको चलेगा। लॉक में नहीं चलने का, लॉक स्ट्रिप में नहीं चलने का आपका। जब आपका लॉक होएगा इसकी स्क्रीन भी लॉक होगी तब आपका फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करने का, आपको ऐसे करना पड़ेगा, लॉक दबाना पड़ेगा यहाँ से फिंगरप्रिंट थोड़ा इसमें वो उसकी दिक्कत है, बस आपको फ़ोन ऑन करना पड़ेगा। इसमें आपको ओपन गैस पहले से मिलेंगे आपको, आपको लग से कोई फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओके वर्किंग है हमारा। गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि शो पासवर्ड मिल जाएगा यहाँ से, स्मार्ट लॉक नहीं चलने का आपका इसके अंदर। क्रोम आपको मिल जाएगा यहाँ से, एडजस्ट इफेक्ट्स ऑफ द रेजर यहाँ से आपको मिल जाएगा। जब आप पेयर करोगे अपना डिवाइस यहाँ से कोई होगा उनका डिवाइस कुछ, कैंसल वायरलेस चार्जर है ये कुछ है, ठीक है। यहाँ पे गेम बूस्टर मिल जाएगा आपको, GSI रोम में गेम बूस्टर तो यूज़ नहीं होगा, हो पाएगा। पबजी के लिए बेस्ट नहीं होती GSI, मैं पहले बता रहा हूँ। जब आप पबजी खेलना चाहते हो अगर GSI कर रहे हो इंस्टॉल, तो GSI बेस्ट नहीं रहेगी आपको। इसमें आपको स्टॉक की कस्टम रोम ही करनी पड़ेगी, जो भी कौन सी बेस्ट होगी, जैसे पिक्सल एक्सपीरियंस होगी और कुछ भी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम्पेटेबल है ये इनडिट ऐड कर लिया कि हमारा रेजर फोन नहीं है। कैमरा आपको मिल जाएगा ऐसे, कैमरा पर चलता नहीं है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ, देख सकते हैं डिसमिस। आपको गूगल कैमरा फ्लैश करना पड़ेगा इसमें, ये डिसेबल कर सकते हैं आप इजीली यहाँ से, ऐप इन्फो में जाके यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। फिर आपको होम स्क्रीन भी नहीं आने का, ये क्रोमा तो डिवाइस का है। चलिए और इसमें माइक चेक कर लेते हैं, माइक चेक करने का यहाँ पे साउंड रिकॉर्डर इसमें अवेलेबल है कि नहीं है,
इसमें साउंड रिकॉर्डर तो मैं कॉल करके चेक कर लेता हूँ अभी। वैसे हम कॉल भी कर लेते हैं एक बार, हैंग बड़ा हो रहा है यार, देखिए कितनी लेट चल रहा है। ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है वाली रोम, GSI रोम, मैं कॉल करके देख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे, मैं जब भी क्लिक करता हूँ या अपना नंबर डालता हूँ अपना, ये फोर स्टॉप हो जाता है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है ये रोम, मैंने आपको बताना था कैसी रोम है, या अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो अपने फ़ोन में बक्स ही बक्स हैं। या आप ये कुछ ओपन करोगे ओपन नहीं होता जल्दी से ऐप्स, इसमें बहुत स्लो स्पीड है इसकी, या अपडेटेड नहीं होगा मुझे पता नहीं इसका। मैं ओपन कर रहा था, बहुत टाइम ले रहा है ओपन होने में। बाकी आप देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको डाउनलोड करना है तो इंस्टॉल करनी है अपने रोम में, मैं इंस्टॉलेशन बता दूंगा आपको अभी। चलिए अभी इसी इंस्टॉलेशन में चलते हैं। अगर आपको इंस्टॉल करनी है रोम तो आपका फ़ोन टेरेबल सपोर्ट होना चाहिए, आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, और आपके फ़ोन में 3 WP फ्लैश होनी चाहिए। टेरेबल रोम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा Redmi 5 के लिए। अगर दूसरे फ़ोन के लिए चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपके फ़ोन के लिए। और ये जो रोम है अली रेजर वाली, तो ये किसी भी फ़ोन में आप फ्लैश कर सकते हो ये रोम, ज़रूरी नहीं है कि Redmi 5 हो, कोई भी हो Redmi का, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने TLR मोड में आ चुके हैं, यहाँ से रिकवरी मोड में। पहले अपना बैकअप कर लीजिए डाटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बैकअप कर लीजिए। आपको 5 आइटम सेलेक्ट करनी है, ऐसे आपको स्वाइप कर देना है, फिर यहाँ से आपको इंटरनल स्टोरेज में नहीं करना बैकअप, आपको MicroSD या USB में करना है, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज अभी फॉर्मेट हो जाएगी हमारी। चलिए बैकअप होने के बाद आपको वाइप क्लिक वाइप पे क्लिक करना है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइप वाइप पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको फॉर्मेट करना है डाटा, यहाँ से आपको यस टाइप क्लिक करना है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं हो रहा तो आप एडवांस वाइप भी कर सकते हैं पहले, ज़रूरी नहीं है। चलिए फिर आपको बैक जाना है, बैक जाना है, एडवांस वाइप पे क्लिक करना है। यहाँ से डॉल्बी सिस्टम डाटा कैच वेंडर, ये आपको 5 आइटम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आपको स्वाइप कर देनी है, मतलब वाइप कर देनी है अली। यहाँ से आप देखें हमारा वाइप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अब आपको ट्रांसफर करनी है अपनी फाइल। पहले आपको टेरेबल सपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको अपना फ़ोन, पहले आपको टेरेबल रोम फ्लैश करनी पड़ेगी अपने डिवाइस में, तब जाके आपको जो वाली रोम आप इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमें टेरेबल रोम भी चाहिए, उसमें हमको वेंडर चाहिए उसका, टेरेबल रोम वाला वेंडर, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर ली अपनी फाइल, अब आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लीनेज यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ कोई भी रोम यूज़ कर सकते हैं इसमें जो आपकी टेरेबल सपोर्ट हो। लीनेज भी कर सकते हैं, RR रोम भी कर सकते हो आप इसमें। चलिए मैं लीनेज यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 8.1 वर्जन वाली है, ओरियो वाली है ये, ठीक है। वो एंड्रॉयड पाई है ना, तो इसमें ओरियो वाली फ्लैश कर रहा हूँ मैं। अगर आपका पास ओरियो नहीं है तो आप पाई भी ट्राई कर सकते हैं वैसे। चलिए यहाँ से आपको स्वाइप कर देना है, यहाँ से हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी टेरेबल रोम की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, हमारी टेरेबल रोम में थोड़ा टाइम लग जाएगा इंस्टॉल होने में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको रिबूट नहीं करना, अगर आप RR रोम यूज़ कर रहे हो तो आपको रिबूट करना पड़ेगा, होम पेज पे जाना पड़ेगा पहले, फिर आपको वापस TWRP में आना पड़ेगा। तो मैं लीनेज यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे होम पेज पर जाने की जरूरत नहीं है। कोई कोई रोम होती है टेरेबल रोम, तो आपको होम पेज पर जाना पड़ता है किसी किसी रोम में। चलिए यहाँ से अब आपको वाइप के भी क्लिक करना है, वाइप के बाद एडवांस वाइप डॉल्बी सिस्टम डाटा केज। अब आपको वेंडर नहीं सिलेक्ट करना, वेंडर को छोड़ देना, हमें वेंडर ही चाहिए था, ठीक है। यहाँ से आपको स्वाइप कर देना है, यहाँ से फिर आपको स्वाइप करने के बाद आपको बैक जाना है, फिर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर जैसे आपको कोई फोल्डर नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पर बस हमारी रोम होगी टेरेबल रोम वाली, आपको आप फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। या आपको अगर आपको फोल्डर क्रिएट नहीं करना तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो रिबूट। आपको रिकवरी पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको रिबूट टू रिकवरी कर देना है वापस। यहाँ से आपका फोल्डर अपने आप आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्रिएट होता नहीं होता। यहाँ जैसे हम एंटर हो चुके हैं TWRP मोड में वापस, अब आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। आपको जैसे यहाँ पे TWRP का फोल्डर आ चुका है, आपको अंदर अपने लैपटॉप से या PC से एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा बैकअप के नाम से, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे नाम होगा उसका। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं TWRP का फोल्डर है यहाँ पे, जो रिबूट TWRP करने के बाद हो जाएगा क्रिएट अपने आप ऑटोमेटिक। फिर आपको यहाँ से TWRP क्लिक करना है, यहाँ से आपको बैकअप का वो क्रिएट करना पड़ेगा फोल्डर, जैसे आपको क्रिएट करना है कर सकते हैं। मैंने PC से कराया है, TWRP के अंदर हो गया क्रिएट बैकअप के नाम से। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है अपनी फाइल, ठीक है। आपको बैक जाना है। अब आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, इंस्टॉल से नहीं करना, अब आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है। रिस्टोर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजर UI जेमी रेड Mi 5 का है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करना है आपको इसमें, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको वेंडर अनटिक कर देना है, अगर आपका बिना वेंडर के हो रहा है तो ठीक है बूट, अगर आपका बूट नहीं हो पा रहा तो आप फिर से वेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले करा बूट और सिस्टम, अगर आपका नहीं हुआ बूट तो आपको बूट और सिस्टम को अनटिक कर देना है, फिर वेंडर को टिक कर देना है बस, फिर आपको वेंडर इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मेरा बूट और सिस्टम से हो गया था, मैंने वेंडर लीनेज का यूज़ करा था। तो चलिए यहाँ से आपको फिर आपको स्वाइप कर देना है, यहाँ से अब आपका रिस्टोर जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रिस्टोर जो है स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से बूट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ से हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा ज़्यादा,
दो से तीन मिनट लग जाएंगे इसमें इंस्टॉल होने में। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भाई जो इंस्टॉलेशन है जो रिस्टोर है कंप्लीट हो चुकी है, 130 सेकंड्स लगे हैं रिस्टोर में। इसके बाद आपको रिबूट कर देना है सिस्टम यहाँ से। रिबूट करने के बाद आपका एक दो बार स्टार्ट रिस्टार्ट हो सकता है डिवाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद आपका बूट हो जाएगा, अगर आपका बूट नहीं हो रहा तो आप इसका ही जो हमारे रोम का होगा उसका वेंडर यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं हुआ तो आपको अगर आप RR यूज़ करें तो आपको लीनियस से करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं हमारा दो बार रिबूट हो चुका है, इसमें होता है नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको MI के लोगों के बाद आपको उसका लोगो मिल जाएगा, रेल कौन सी थी है रोम, ये आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा ऐसा लोगो मिल जाएगा उस रोम का। चलिए इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।